हेलो एवरीवन, इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष इसराइल हमास युद्ध के दौर में बदल चुका है और इस दौरान यहां पर देखा जाए तो इसे इसराइल की खुफिया एजेंसियों की बड़ी नाकामी हमास हमले के रूप में देखी गई। इसराइल की खुफिया एजेंसी जिसे मोशाद के नाम से जानते हैं विश्व की यहां पर देखे जाए तो सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में से एक मानी जाती है, लेकिन इस बार इसकी विफलता के क्या कारण हैं, मोसाद किस तरीके के कार्य करती है, किस तरीके किसकी संरचना है, किसके यहां पर प्रमुख कार्य क्या है उसको समझेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो खुफिया एजेंसी होती हैं किसी भी देश के लिए यहां पर सूचनाओं को एकत्र करने का काम करती हैं, सरकार को जानकारी साझा करती हैं और विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस को अंजाम देती हैं। ऐसी ही यहां पर खुफिया एजेंसी है मोसाद है जिसे विश्व की यहां पर सबसे खतरनाक यहां पर एजेंसी के रूप में खुफिया एजेंसी के रूप में मान्यता मिली हुई है। मोसाद के बारे में जैसा कि आप सब जानते हैं थोड़ी सी यहाँ पर इसकी जानकारी इसके बारे में समझते हैं, इसका नाम कैसे पड़ा, इसराइल की जो पूरी खुफिया एजेंसी है किस तरीके से यहाँ पर कार्य करती है। देखिए मोसाद को मोसाद यहाँ पे जो कहा जाता है इसका पूर्ण जो नाम है था जो पूरा नाम यहाँ पर मोसाद का है मरकजी ले मोदीन उले तक तफकिदिम मेयू हादिम, हिब्रू में इसे कहते हैं सेंट्रल जो कि हिब्रू में इसे कहा जाता है और इंग्लिश में देखें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंट एंड स्पेशल ऑपरेशंस यहाँ पर इसका नाम है जो पूरा नाम है और शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो इसे हम मोसाद के नाम से जानते हैं। ये इसराइल की यहाँ पर खुफिया एजेंसी है। वर्तमान समय में देखा जाए तो तीन प्रमुख जो सकते हैं संगठन हैं जो इसराइल में यहाँ पर देखा जाए तो खुफिया तौर पर आपको काम करते हैं। इसमें एक है यहाँ पर अमन, अमन जो है यहाँ पर एक सैन्य खुफिया एजेंसी है जो इसराइल की है। दूसरा है सिनबेट, सिनबेट जो होती है आंतरिक सुरक्षा से संबंधित यहाँ पर एजेंसी है। और तीसरा है मोसाद जो विदेशी खुफिया जानकारी एकत्र करने खुफिया विश्लेषण करने और गुप्त अभियानों से यहाँ पर आपको संबंधित है। अर्थात देखा जाए तो मोसाद जो है सिर्फ जानकारी को एकत्र ही नहीं करती है बल्कि उनका एनालिसिस करना और उसके बाद यहाँ पर अभियान जो है विदेशों में जा करके अंजाम देना भी यहाँ पर मोसाद के द्वारा किया जाता है। अब ऐसी स्थिति में चर्चा का जो विषय है कि यहाँ पर फेल कैसे हो गई। देखिए यहाँ पे इसराइल की जो तीन एजेंसियां हैं इनके संदर्भ में यहाँ पर जो जानकारी हमारे पास है वो किस तरीके से कार्य प्रक्रियाएं करती हैं, कौन कौन से यहाँ प्रमुख अंजाम इनके द्वारा दिए गए, इनकी स्थापना कैसे की गई और किन उद्देश्यों के साथ की गई उसको समझिए। देखिए इसराइल की जो तीन बड़े खुफिया संगठन है अमन शिन बेट और मोसाद, इनमें से एक यहाँ पर मोसाद है और मोसाद को भी देखें तो इसमें दो काउंटर टेररिज्म यूनिट है, ठीक है, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए इसमें दो यूनिट यहां पर काम करती हैं। जो पहली इसमें यूनिट है मोसाद में वो मिट साडा है, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा कौन सी है मिट साडा। इसका क्या काम है, ये दुश्मन पर हमला करती है और दूसरी जो है उसका नाम है किडोन। किडोन जो यहां पर आपकी एजेंसी है या कह सकते हैं आपको यूनिट है, इसका काम है गुप्त ही रखा जाता है, अर्थात इसकी जानकारी किसी को नहीं होती है कि मूल रूप से ये करते क्या है, तो इनकी जानकारी मूलतः गुप्त है। मोटे तौर पे देखा जाए तो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम यहां पर ये भी करते हैं। मिटसाडा की भी यहां पर अपनी अलग यूनिट्स होती हैं और वो यहां पर आतंकियों के विरुद्ध यहां पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बनाना, उनको अंजाम देना, उनके विरुद्ध यहां पर लड़ाई लड़ना और उनको यहां पर निस्तनाबूद करना, ये सारा काम यहां पर मोसाद के अंतर्गत ये दो यूनिट जो आती हैं ये करती हैं। 1949 में देखा जाए तो मोसाद की यहां पर स्थापना की गई थी और जैसा कि आप जानते हैं जो इसराइल है एक यहूदी देश है। 13 दिसंबर 1949 के दौरान देखा जाए तो इसके जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डेविड बेन गुरियन की पहल पर यहां पर सेना की खुफिया विभाग आंतरिक सुरक्षा सेवा और विदेश विभाग के साथ तालमेल और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए यहां पर मोसाद की स्थापना की गई और इस तरीके से एक देश के रूप में स्थापित होने के साथ साथ यहां पर इनकी तीन अलग अलग एजेंसियां जो होती हैं विभिन्न प्रकार के कार्यों को संचालित करने के लिए आपसी तालमेल के लिए गठित की गई। इसराइल जो सरकार है वर्तमान समय में देखें तो मोसाद का गठन जो है मूल रूप से यहां पे आतंकवाद से लड़ने के लिए उनका सफाया करने के लिए यहां पर इनको गठित किया गया है। 1951 में देखें तो मोसाद को इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कर दिया गया और इसकी रिपोर्टिंग भी सीधे यहां पर आपको प्रधानमंत्री के पास होती है, अन्य किसी के पास नहीं, तो एक तरीके से डायरेक्ट रिपोर्टिंग यहां पर आपकी मोसाद की जो है वो यहां पर प्रधानमंत्री स्वयं लेता है। आइए बात करते हैं इससे संबंधित कुछ प्रक्रिया के चीजों के बारे में, जैसे कि रियुवेन सियोला, ये मोसाद के पहले डायरेक्टर बनाए गए और सियोला जो है 1992 में रिटायर हुए, इसके बाद इसकी जो कमान है हरल के पास यहां पर आई। हरल जो है 11 साल की यहां पे कार्यावधि को इन्होंने पूरा किया और इस दौरान इन्होंने खूंखार आतंकियों की किलिंग मशीन के रूप में तब्दील कर दिया, अर्थात काफी ट्रेंड यहां पर एजेंसी के रूप में से परिवर्तित किया।
वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो जो मोसाद है यहाँ पर, इसमें टॉप क्लास के सीक्रेट एजेंट हैं, हाईटेक इंटेलिजेंट टीम है, शार्प शूटर हैं, कातिल हसीनाओं के कई तरीके के जासूस हैं, गुप्त योद्धा की फौज है। और मोसाद देखा जाए तो एजेंट इतनी समझाई से आपको अंजाम देते हैं कि कोई भी सबूत यहाँ पर नहीं छोड़ते हैं, जिसके कारण यहाँ पर विश्व की सबसे खतरनाक एजेंसी के तौर पर, खुफिया एजेंसी के तौर पर मोसाद को जाना जाता है। चलिए मोसाद के कामों को भी यहाँ पे समझ लेते हैं कि कौन कौन से काम यहाँ पर आपको मोसाद करती है। देखिए अपनी स्थापना के बाद से देखा जाए तो मोसाद सरकार की ज़रूरतों के आधार पर खुफिया जानकारियों को एकत्र करती है, जुटाती है, अर्थात जो सरकार को डिमांड जो भी होती है, जिस तरह की सूचनाएँ तैयार चाहिए होती हैं वहाँ पर उन पर काम करती हैं, कुछ जानकारी एकत्र करती हैं, सरकार को देती हैं। इसके साथ विभिन्न माध्यमों से यहाँ पर जानकारियों को ये एकत्र करती हैं, वो सारे काम यहाँ पर कार्यान्वित करती हैं। जैसे इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस है, सिग्नल इंटेलिजेंस है, और दूसरा कोई यहाँ पर जो समझ न सके ऐसी यहाँ पर कोडिंग इत्यादि के माध्यम से जानकारी को एकत्र करते हैं। साथ ही मोसाद ऐसे भी यहाँ पर आपको काम करती है जो अन्य देशों की खुफिया सेवाओं के साथ खुफिया संबंधों को विकसित करना, उन्हें बनाए रखना, जानकारियों का आदान प्रदान करना, तो ये भी काम मोसाद करती है। साथ ही उन देशों के साथ गुप्त संबंध बनाए रखना और खुले तौर पर इसराइल का यहाँ पर साथ देने से यहाँ पर हमेशा बचते हैं। ऐसे देशों के साथ भी देखा जाए तो इन ये मोसाद जो होती है वो यहाँ पर एक कह सकते हैं कूटनीतिक संबंध या कह सकते हैं पर्दे के पीछे से यहाँ पर आपको काम करते रहते हैं। शुरुआती दौर में देखें तो मोसाद ने यहूदियों को अशांत देशों को छुड़ाने और उन्हें इसराइल के काम लाने के लिए यहाँ पर किया गया। जैसे इथोपिया के यहूदियों को इसराइल लाने के लिए मेवत्ज़ा मोशे यानी कि ऑपरेशन यहाँ पर जो है मूसा अंजाम दिया गया। सामान्य तौर पर देखा जाए जो मोसाद है विदेशों में यहूदी और इजरायली लोगों पर लक्षित आतंकी घटनाओं के खिलाफ यहाँ पर महारत हासिल है, एक तरीके से इजरायलियों की रक्षा करना, यहूदियों की यहाँ पर रक्षा करना और यहाँ पर उनको सुरक्षित बनाना और आतंकियों को यहाँ पर नष्ट करना, ये मूल रूप से देखा जाए तो इनके काम के अंतर्गत आते हैं। आइए यहाँ पर कुछ इनके ऑपरेशन के बारे में भी बता देते हैं। देखिए मोसाद के द्वारा जो अब तक के बड़े ऑपरेशन किए गए हैं वैश्विक स्तर, जिनके कारण कि यहाँ पर इतनी धाक बन गई है, जिसमें 2020 का अगर आप देखें जो काफ़ी चर्चा का एक विषय था, ईरानी जो परमाणु वैज्ञानिक थे उनका यहाँ पर खात्मा किया, जो कि मोसाद के द्वारा ही किया गया था। नवंबर 2020 में देखा जाए तो ईरान के सैन्य परमाणु कार्यक्रम के जो शीर्ष वैज्ञानिक थे ब्रिगेडियर जनरल मोहसिन फखरीजादेह की यहाँ पर हत्या जो है मोसाद के द्वारा की गई। मोसाद ने यहां पर इसकी जिम्मेदारी खुले तौर पर नहीं ली, लेकिन जून 2021 में देखा जाए तो मोसाद के मुखिया ने इसे लेकर अहम खुलासे जरूर किए। इसी तरीके से 1976 में आप देखें तो ऑपरेशन जो है थंडरबोल्ट, जो अरब के आतंकियों के द्वारा हाईजैक फ्रांसीसी विमान को मोसाद अपने 94 नागरिकों के साथ युगांडा से मुक्त कराकर लाई, और यह ऑपरेशन आपको काफी चर्चा का विषय भी रहा। इसी तरीके से एक ऑपरेशन जो है जिसे कहते हैं 1972 में रैथ ऑफ गॉड, ये काफी चर्चा का विषय ये भी ऑपरेशन रहा। इसमें हुआ क्या था, देखिए 1972 में हुआ था म्यूनिक में ओलंपिक, और इस ओलंपिक के दौरान यहां पे एकत्र इजरायली ओलंपिक टीम जिसमें 11 खिलाड़ी थे उनको बंधक बना लिया गया था, और बंधक बनाने के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी, और इसके लिए जो जिम्मेदार थे वो फिलिस्तीनी आतंकवादी थे, और उनसे बदला लेने के लिए यहाँ पर देखा जाए तो 20 सालों तक ये अभियान चला, और जितने भी आतंकी यहाँ पर शामिल थे मोसाद ने उन सभी को यहाँ पर चुन चुन के खत्म कर दिया। इसी तरीके से एक और ऑपरेशन जो 1960 में यहाँ पर अंजाम दिया गया था रूसी MiG-21 को लेकर के, इसराइल यहाँ पर लाना, और उस दौर में सोवियत संघ देखा जाए तो रूस का MiG-29 सबसे उन्नत लड़ाकू विमान था, और जब यहाँ पर अमेरिका की CIA यहाँ पर इस अभियान को लाने में अर्थात MiG-21 को लाने में विफल रही, तब उसके बाद मोसाद यहाँ पर जो है उसकी एक महिला एजेंट ने 1964 में इसे कर दिखाया, और इसी ऑपरेशन के दौरान देखा जाए तो एक जरूरी 1962 मिशन में मोसाद का एक एजेंट जरूर पकड़ा गया और उसे फांसी दे दी गई। तो एक तरीके से यहाँ पर आप देखें तो बहुत सारे यहाँ पर मोसाद के द्वारा ऑपरेशन किए गए हैं जो काफ़ी यहाँ पर सफल रहे हैं, और ऐसे अंजाम दिए गए हैं, ऐसे ऑपरेशन भी अंजाम दिए गए हैं जिसके वहाँ तक अन्य खुफिया एजेंसियों ने आज तक अंजाम नहीं दिए हैं। तो इसी के कारण यहाँ पर मोसाद को लेकर के यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एक कह सकते हैं बड़ी खतरनाक यहाँ पर आप खुफिया एजेंसी के तौर पर विश्व की मानी जाती है, और इस बार की यहाँ पर असफलता में जरूर इस पर सवालिया निशान उठे हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो अपने आप में यहाँ पर देखा जाए तो एक नामुमकिन वाले अभियान किए हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मोसाद के बारे में जो जानकारी आपको दी गई है उसके बारे में अच्छे से पढ़ जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में ऐसे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।